बालोग आज बात करेंगे हाउस ऑफ द ड्रैगन के टॉप आइकॉनिक मोमेंट के बारे में, जिन्होंने लिटरली पूरे हाउस ऑफ द ड्रैगन की काया पलट दी थी। ईस्ट टाइम जब भी शो ढीला पड़ रहा था उस समय इन मोमेंट ने पूरी जान भरी है शो में। शुरुआत करेंगे फर्स्ट डेमन टारगेरियन का ब्रूटली किलिंग वेमेंड वलेरियन से। भाई शो में तो आंखें सबकी फटी फटी रह गई थी, लेकिन व्यूअर्स की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया गया था भाई। ऐसी क्रुएलिटी, ऐसी ब्रुटैलिटी बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी गई थी। और ये नौबत तब आई थी जब वेमंड ने रनीरा के बच्चों को बास्टर्ड बोला था, वो भी एक नहीं दो से तीन बार, और साथ में रनीरा को होर भी बोला था। एंड डेमन तो बाबा अपना रनीरा का आशिक है ही है, उसने आओ देखा ना था और गर्दन नहीं उड़ाई भाई, खोपड़ी के दो टुकड़े कर दिए थे। और इस सीन के बाद डेमन से लिटरली फटने लग गई थी सबकी, कि ये साला मारने से पहले किसी को सोचता नहीं है, और ऐसी क्रुएलिटी भाई ये कौन सी मेंटलिटी है आपकी जो सोच भी नहीं रहे हो। और बाय गॉड सबके सामने ये मारा था, सामने किंग है, पूरी प्रजा है और सभी लोग आपस में देख रहे हैं, उसका बड़ा भाई वहां पर है वलेरियन, जो उसकी फैमिली की मेंबर वहां मौजूद थे, लेकिन इसने आओ देखा ना था और सीधा भाई जैसे जैसे गाजर मूली काटते हैं उसने खोपड़ी के दो टुकड़े कर दिए। हाउस ऑफ द ड्रैगन का मजा दोगुना कर दिया था इस सीन ने, इस क्रूअल ब्रूटल एंड भयानक सीन ने। देन सेकंड था रेनीज और मेलिस का डूम में वाइल्ड कार्ड एंट्री, और बाबा गोटे मुंह को आ गए थे। एक बार के लिए ऐसा लगा कि भाई रेनीज क्या करने जा रही है, मतलब आगे जो हमें डांस ऑफ द ड्रैगन देखने को मिलने वाला है, ड्रैगन वॉर देखने को मिलने वाला है, तो स्टार्टिंग में ही सबको खत्म कर देगी भाई। लिटरली समझ में नहीं आने लग गया था कि ये अभी बस ड्रैकेरिस करेगी और सभी लोग उड़ जाएंगे। यहाँ पर एलिसेंट और उसके बच्चे, सभी पूरा खानदान वहाँ पर था, और वो बस एक बार ड्रैकेरिस करती और सारे के सारे वहाँ खत्म हो जाते भाई। लिटरली फट के हाथ में आ गई थी कि यार ये शो का मजा खराब कर देगी। देन थर्ड था भाई सभी के जिसने होश उड़ा दिए, बल्कि सिर्फ शो में नहीं बाहर व्यूअर्स की भी दुनिया में भी शोक का माहौल उठ गया था, क्योंकि वेगार ने एरेक्स सहित लुसेरिस को भी चीर फाड़ कर दिया था। बस एक बाइट और एरेक्स के टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई। मेकर्स ने ऐसा फील कराया कि अपने आपने ना अपने छोटे भाई को गोविलेन ने टपका दिया है भाई। पूरा शो पलट कर रख दिया था एमंड और वेगार की इस क्रुएलिटी ने। ऑसम था वो, ऑसम, जिसके दम पे लोग पूरे 2 साल वेट करेगी बाबा, अब तो जंग निश्चित है, क्योंकि ड्रैगन दोनों तरफ थे और लोगों को बस ड्रैगन वॉर ही देखने को मिलनी थी और वही देखने के लिए वेट कर रहे थे। देन फोर्थ, अभी तक का मोस्ट ब्रूटल, ड्रावना और भयानक दरिंदगी से भरा सीन, जहरिस टू टारगेरियन का गला काट के मौत। एगोन 2 का वो छोटा बेटा, खून का नंगा नाच, ऐसे वो मात्र 5 से 6 साल का बच्चा, और उसका इस वॉर से कोई लेना देना भी नहीं था भाई। दिमाग काम करना बंद कर दिया था कि ये क्या दरिंदगी आप दिखा रहे हो, वो भी स्क्रीन में भाई, बच्चे को ऐसे कौन मारता है, और ऐसा सोच भी कैसे सकते हो आप, और चलो सोच भी लिया तो ऐसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो भाई। खून खोल गया था और एक बार फिर हाउस ऑफ द ड्रैगन की काया पलट दी थी इस सीन ने, और यहां कंफर्म हो चुका था कि अब तो जंग निश्चित है भाई। अब तो खून का नंगा नाच हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये लोग नहीं सोचने वाले कि आगे कौन है, चचा भतीजा कोई भी हो भाई, ये मार के रहेंगे एक दूसरे को। देन फिफ्थ था बैटल ऑफ रूक्स रेस्ट। भाई इस सीन ने ट्रेलर दिखाया कि आगे क्या भयानक खौफनाक मंजर हमारा वेट कर रहा है, दूसरा ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब ड्रैगन वॉर में उतरेंगे तो सिर्फ तबाही ही तबाही होगी, वो ना अपने देखेंगे ना पराए देखेंगे, बस हर जगह आग ही आग। लेकिन बाबा ड्रैगन वॉर जिसके लिए हम वेट कर रहे थे पूरे फर्स्ट सीजन से और उसके बाद बहुत लंबे समय से, क्योंकि पहले 3 एपिसोड ऐसे निकले सीजन 2 के भाई बहुत बोरियत होने भी लग गई थी। और वो जो मोमेंट देखने को मिला, मेलिस ने क्या लड़ा है, खूब लड़ा, जबरदस्त, पहले सनफायर से देन उसके बाद वेगार से, इस डांस ऑफ द ड्रैगन ने पूरे शो में फिर से जान डाल दी थी, क्योंकि यहां तक लोगों को लगने लग गया था कि क्या बकवास दिखा रहे हो यार, जिसके लिए वेट कर रहे थे वो तो तुम दिखाई नहीं रहे हो भाई। पूरी काया पलट दी थी इस मोमेंट ने, दोबारा से शो में जान भर दी थी। तो बाबा ये 5 मोमेंट थे जो हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एंड सीजन 2 की काया पलट के गए हैं। एवरी टाइम जब भी शो ढीला पड़ने लग गया हो या फिर शो वो जान छोड़ने लग गया हो जिसके लिए वेट कर रहे थे, जिसके लिए लोग अपना टाइम खर्च करते थे। तो ये 5, इनमें से आपका कौन सा बेस्ट मोमेंट रहा है, बेस्ट सीन रहा है, कौन सा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, जरूर हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करके जाना अपना एक्सपीरियंस। देन इसके बाद भी कोई और ऐसे मोमेंट रहे हैं जो आपका हार्ट वार्मिंग मोमेंट रहा है, जो होश उड़ा के गया है, तो जरूर नीचे बता के जाना, उस पर भी एक नई वीडियो बना के लाएंगे। लेकिन बाबा ये बाय गॉड लिटरली गांड फाड़ सीन थे। बाकी यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी। जय हिंद।